ऑस्ट्रेलियन कैंप गेस्ट हाउस है ये। हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए। यहाँ काफी सारे फॉरेनर्स नजर आ रहे हैं मुझे जो रुके हैं। That's a good sign. So, जब मैं बोलता हूँ ऑस्ट्रेलियन कैंप तो देयर ऑस्ट्रेलियन कैंप गेस्ट हाउस। उसके बाद यहाँ और भी चीज़ें नज़र आती हैं। नमस्ते। सो इज दिस ऑस्ट्रेलियन कैंप? ऑस्ट्रेलियन कैंप दिस वन? ओके दैट्स गुड ग्रेट। एंजल्स गेस्ट हाउस एक और जगह है यहाँ पे। एंड इट हैज समथिंग। दे हैव गॉट द टेंट्स, दे हैव गॉट सम रूम्स। इट सेज कॉन्टिनेंटल फूड आपको सर्व किया जाएगा। कोरियन फूड मिलेगा, नेपाली लोकल फूड मिलेगा, टेक अवे कॉफ़ी है, स्पेशली ब्रूड कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ मिल सकती हैं आपको। मच्छा पुचारे लॉज सामने दिख रहा है। तो यहाँ डेफिनेटली एक कंक्रीट वाला बिल्डिंग है जिसमें रूम्स होंगे। देखिए क्या शानदार झूला बनाया है बांस का। होटल गुरांस ये भी यहाँ पर है। मतलब ये एक तरह से हिल टॉप है इस जगह का, जहाँ सब लोग आते हैं, रुकते हैं, नज़ारे इंजॉय करते हैं। और काफ़ी बड़ा एक्टिविटी एरिया है इनके पास है। इसमें झूला लगा हुआ पीछे आपको दिख रहा है। बारिश के बाद की धूप ने इस जगह की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। अब अच्छा फील कर रहे हैं। Life is all about meeting people, traveling. Yeah. And that's what I love the most. Here. Yeah. I'm doing trekking and camping since last 15 years now. Wow. But now it's full time. Ah. I don't work now. That's the best. That's one. Nice. My next one in bucket list is Kilimanjaro climb. Really? Yep. I love trekking. Same. I saw you when you were climbing. No, it was not like other people. You were straight. You know that there was a strength which was visible when you were climbing up there. Oh, I saw observed. You. I noticed. Yes. You observed. Yes. Being a tracker, no. I yeah, see. Because your body weight has to be distributed evenly, left and right. Yes. Otherwise, you'll screw yourself you're up. Screw yourself. There's a technique to climb and yes. get down. Yes, I mean. Because the force you put in is it's hard to explain, but when you're doing it, you know. Absolutely. And I saw the strength in your legs and the form way you were for doing it. That's Ooh. Wonderful. I noticed someone that you have got some... Someone was observing me from the back. From the front. Oh, from the front. Oh, I was the front. I was there sitting and ordered for the tea and you were coming there and noticed this. Some people and we were planning turn this over now. How much for the tent? 800. 800 rupees. How many people? Two. Two people? Two. Two people. 800. Yeah. Which is, okay, 800. Nepali currency, yeah? Nepali currency. Nepali currency. Indian currency.
500 something. Good. Thank you. That tents behind also, no? Those orange color one. Same price. Yeah. Same price. So this either stay here or there. Same price. छोटे कॉटेज बनाए हैं डबल ऑक्यूपेंसी ट्रिपल ऑक्यूपेंसी के हिसाब से आप रूम ले सकते हैं. रूम का मुझे बोला कि अवेलेबल नहीं है पर 1200 की रेंज में है रूम विच इज 700 रुपी एज पर इंडियन करेंसी अराउंड 700 समथिंग. एंड फॉर द टेंट का बोल रहे हैं कि 800 रुपये का है नेपाली करेंसी के हिसाब से. ठीक है 500 रुपये में दो लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन है रुका जा सकता है. हेलो 15 मिनट हुए हमें नीचे उतरते हुए. हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ क्लाइंब करना थकाने वाला काम है लेकिन आसान है बिकॉज थकान तो आएगी और जाएगी. गोइंग डाउन हिल इज रियली डिफिकल्ट. आपके नीज पे आपके थाइज पे इतना स्ट्रेस आता है कि आप लेग शेक करना शुरू कर देती हैं. चलते चलते ये कहाँ आ गए हम ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते. ओके सो ये है अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रेल और अन्नपूर्णा पेनोरमा ट्रेल. जो जगह पे हम खड़े हैं एक तरह से कंजक्शन की तरह एक रास्ता इस तरफ जा रहा है एक रास्ता इधर से नीचे आ रहा है और एक नीचे जा रहा है तो टेक्निकली हम इस जगह पर हुए वलीचे यहाँ क्योंकि यहाँ से नीचे उतरेंगे तो धामपुस आएगा विलेज और यहाँ से और नीचे जाएंगे तो हम फेडी पहुँच जाएंगे. और अगर आपको याद है हमने स्टार्ट इस तरफ से किया था ये कंसिडर करो आपका पोखरा पोखरा से फेडी फेडी से कांडे और कांडे के आगे जा कर के हमने कांडे से हमने ऑस्ट्रेलियन कैंप के लिए रास्ता लिया तो यहाँ हम पहुँचे और यहाँ से हम वापस इस तरफ जा रहे हैं तो अल्टीमेटली जब रिटर्न का ट्रैक हम करेंगे तो फेडी पहुँचेंगे और यहाँ से पोखरा. अब जिस जगह पे हम हैं वलीचे यहाँ से एक रास्ता पोथाना ट्रैक के लिए जा रहा है जो 25 मिनट का है. एक दूसरा रास्ता उसी के आगे अगर आप चलेंगे तो तोलका है एक लैंडरुक है. लैंडरुक का टोटल डिस्टेंस है 3 घंटे 16 मिनट. वहाँ एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा हुआ है 3 आवर्स 16 मिनट में आप यहाँ पहुँच रहे हैं. थोड़ा और आगे उसी पर चलेंगे तो आप पहुँचेंगे झीनू डांडा. तो झीनू डांडा में हॉर्स स्प्रिंग है और यहीं से जब आप जाएंगे तो ये जो ट्रैक अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसको रेड कलर से मार्क किया है ये है अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक. सो झीनू डांडा के बाद बाम्बू के बाद दोभन दिरोली और फिर हम पहुँचेंगे माछे पुचूरे बेस कैंप और उसके ऊपर फिर अन्नपूर्णा बेस कैंप. ये है पूरा रेड कलर में यहाँ से फेडी से स्टार्ट करके अन्नपूर्णा बेस कैंप तक का रास्ता. ये टेरिटरी मार्क की गई है अन्नपूर्णा बेस कैंप को एज स्नो लेपर्ड टेरिटरी. एक ग्रीन कलर में भी ट्रैक को मार्क किया गया है. ये ग्रीन कलर का ट्रैक है अन्नपूर्णा पेनोरमा ट्रैक. ये स्टार्ट होगा फेडी से आप क्लाइंब करेंगे कांडे आने की ज़रूरत नहीं. दो कांडे से भी आप अगर ऑस्ट्रेलियन कैंप पहुँचेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे जिस जगह पर मैं अभी हूँ. फ़र्क इतना है कि 3 घंटे 15 मिनट के बाद लैंडरुक से आप डाइवर्ट करेंगे घंडरुक की तरफ. लैंडरुक घंडरुक और वहाँ से जाएंगे टाड़ा पानी से घोड़े पानी और घोड़े पानी से उलेरी होते हुए बिरेथेंटी आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ इसको. ये यहाँ पर आकर के ख़त्म होगा और रेड ट्रैक को वापस आप लेंगे तो लैंडरुक होते हुए सेम रूट से आप फेडी पहुँच के इसको ख़त्म करेंगे. तो अन्नपूर्णा पेनोरमा ट्रैक एक अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक दो. हम लोगों को कहा गया था कि आपको क्योंकि घोड़े पानी जाना है आप हमने रूट लेना था उस केस में तोलका लैंडरुक वाला तो हमें टिम्स यानी टूरिस्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम वो जो परमिट लेने के लिए बोला गया था इस टेरिटरी के लिए बोला गया था. अब क्योंकि हम लोगों ने परमिट नहीं लिया और एक दिन का ट्रैक हम करना चाह रहे थे रन नाइट स्टे करके वापस आना तो हमने फिर यहाँ से स्टार्ट करके फेडी धामपुस ऑस्ट्रेलियन कैंप इसको कवर किया. आगे जाना है तो फिर ज़रूरी है कि आपके पास परमिट हो. जो लोग चाहते हैं जानकारी अन्नपूर्णा बेस कैंप के बारे में
वो है ये अन्नपूर्णा बेस कैंप है 4130 meters। तो अगर हम इस तरफ से स्टार्ट करें फेड़े से तो 1100 के बाद आप पहुँचेंगे भारतीय होते हुए चोमरोंग है 2140 meters पे। उसके बाद एलिवेशन हाई होता जाएगा, आप बैम्बू दोबन देवरौली यहाँ होते हुए और एक बेस कैंप है जो अन्नपूर्णा बेस कैंप के पहले 3700 meters पर माचा पुचेरे बेस कैंप यहाँ, और उसके बाद फिर टॉप पे पहुँचेंगे अन्नपूर्णा बेस कैंप। और दूसरी तरफ से आप नीचे उतर के आ सकते हैं, हाईएस्ट 4130 meters। लगता है कि मैं विलेज पहुँच गया हूँ। ये नज़ारा है मेरे पीछे, वहाँ एक मुझे फ्रेंड्स रेस्टोरेंट शायद नज़र आ रहा है, एक ये स्कूल है जहाँ एक आंटी जी बैठे हैं और मुर्गियों के सामने बैठ गए, या तो फसल काट रहे हैं या कुछ और साग काटा जा रहा है सब्जी। और ये कुछ घर है, मेरे ख्याल से जो विलेज है वो उस तरफ कहीं होना चाहिए, या ये कुछ घर है रास्ते में, वो रोड है या ज़्यादातर लोग वहीं से जाते हैं। हम लोग इस तरफ से निकल रहे हैं, 1500 ओके, और फाइनल कितना लगाओगे मैम? हाँ 1200 लास्ट ओके। और फूड का अरेंजमेंट है यहाँ तो ओके। अच्छा अच्छा तो ये पूरा पोस्ट ऑफिस का बिल्डिंग है यहाँ पे। अच्छा आप ये खुद बनाते हैं? आप खुद मतलब ये जो दिखा रखा है ये सब आपने बनाया है? तो बहुत अच्छा। ये शॉल है रे, ये शॉल शॉल ओके गुड, तो इसे बनता है सब। नाइस जो क्लॉथ्स है ना वो इन्होंने बनाए हैं। बाकी आप यहाँ पे रुकने के लिए जगह है आपके पास? बस नहीं, रुकने के लिए, रहने के लिए जगह है। अब हिंदी नहीं बोलते? हिंदी बोलना जानते नहीं होता। अच्छा हिंदी बोलना जानते नहीं? बता जानते नहीं हिंदी बोलना। ये चाय रखा है? इसे चाय चाय पानी होता था यहाँ बनाने हो गया। अच्छा इसमें पानी है, गर्म पानी है फिर वहाँ सो देते हैं। मैंने यहाँ सो के अंदर इनले होटल चाहिए ना रे। हाँ टिपिकल दस्तक है। हम लोग चाह रहे हैं कि देखें गांव में लोग कैसे रहते हैं नेपाल में, तो उस हिसाब से कोई रुकने के लिए जगह हो तो अच्छा है। उधर भी कमरा है, वो टेक वाला है किधर? वो सामने वाले घर में। हाँ इनको भी हिंदी नहीं आती, थोड़ा दिक्कत समझती है ना, तो समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। तो बोल रहे कि आप लोग खाना खाने के लिए इधर रुकेंगे? हाँ बैठने के लिए इधर जाऊँ? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ठीक है। तो कितना है कोठा को, रूम को? रूम को ठीक है। बाथरूम उसके साथ है वहाँ पे? बाथरूम वगैरह है, दो बेड हैं ओके। हाँ एक बार चेक कर लो ठीक है, अच्छा है। जानता
nice. Do you have any brother, sister? No, brother, chali hai na re. Oh, chota hai na. Hey. Do mein gaya na. Oh, itna chota hai. To usko ghar mein rakha hua hai. इस बाबू की गाड़ी है दादी ने दादी कौन आए हैं आपने चप्पल क्यों नहीं पहना सर जो एक चीज पड़ा जो लो है और भी लो पड़े पढ़ने के लिए बोल रहे हो पढ़ने के लिए बोल रहे हो देख जो आगे बना रहा मैं ही बना रहा हूँ आई नहीं कितना चाहिए ना और बच्चा आज माया आई ना बोल रहे हो बनाया ना आप ना छोड़ो आंटी के लेकर आज बना